नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। चाकू मार है, कुछ काटा पता कुछ नहीं भाभी, कुछ नहीं। अभी हम लोग है, हम लोग ढूंढेंगे तुम लोगों में। रुको भाभी, हम लोग है ना। दोस्तों, खबर सामने आई है मीरा रोड से, जहां की एक भाजपा की नेत्रियों पर रविवार की रात को हमला हुआ। अज्ञात हमलावरों ने हमला किया और जानलेवा हमला ही था। हालांकि महिला नेत्री जो है भाजपा की, वो फिलहाल सुरक्षित है। और ये हमला ऐसा बताया गया कि जो जानकारी सामने आई है, रविवार रात को 11 बजे भाजपा नेता सुल्ताना खान अपने पति के साथ डॉक्टर के पास जा रही थी, तब बाइक पर आए अज्ञात हमलावरों ने उनके ऊपर हमला किया और उनको जख्मी कर दिया। इस मामले में सुल्ताना खान काफी डरी सहमी थी। उसके बाद में मामला पुलिस स्टेशन में गया, पुलिस ने मामला दर्ज किया और सुल्ताना खान के पति ने इस मामले में पुलिस को तहरीर दी। देखिए पूरा मामला, बने रहिए हमारे साथ। डॉक्टर साहब, आप पहले अपना नाम बताइए। हाँ, मैं डॉक्टर रामलखन यादव बात कर रहा हूँ, इंदिरा गांधी हॉस्पिटल से। आपके पास एक केस आया है, जो एक बीजेपी की अल्पसंख्या की महिला है, तो प्रदेश अध्यक्ष है, उनके ऊपर कोई हमला हुआ है। जब वो हमला हुआ आपके पास आई, तो उस वक्त उनकी क्या कंडीशन थी? वो मेरे पास आए तो उनके लेफ्ट हैंड में उनको एक 5 सेंटीमीटर और एक 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर के निशान है, निशान लेफ्ट हैंड में ब्लीडिंग हो रही थी उनको। हमने ब्लीडिंग 3 स्टेजेस लगाकर ब्लीडिंग स्टॉप किया और ड्रेसिंग किया उनको, और वाइटल वगैरह सब चेक किया तो उनका वाइटल वगैरह सब नॉर्मल, थोड़ा सा गिटनेस आ रहा था उनको, इसलिए एक DNS लाइन लगाया। बस नाउ पेशेंट स्टेबल है। स्टेबल है। तो जो हमला हुआ वो किसी धारदार हथियार से हुआ है या वो किसी ब्लेड या शार्प इससे कट हुआ है? तो अभी क्या पोजीशन है उनकी? ठीक है, पोजीशन ठीक है, ब्लीडिंग स्टॉप है, हमने स्टिच कर दिया है, स्टिच करके ड्रेसिंग कर दिया है, परसों फिर बुलाया उनको। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।